वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं, जहां वो गवर्नर हाउस और किंगरी हाउस में अहम मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि इतिहादी जमात एमकेएम से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं है। दूसरी आज आईजी सिंध की तकरीरी का मामला भी हल होने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात हमारे नुमाइंदे सुमेर राजपूत से जान लेते हैं। जी सुमेर, वज़ीर आज़म का दौरा कराची के हवाले से क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर इस वक्त कराची में मौजूद हैं। गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें सामने आई। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और आईजी सिंध, वो भी कामयाब हुए वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए टाइम लेने पे। और ऐसा लग रहा है कि आज जो आईजी सिंध का जो तनाज़ा चल रहा है वो भी हल हो जाएगा। आज जो है कोई ना कोई नाम आईजी सिंध के लिए फ़ाइनल कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो दीगर अहम मुलाकातें, ताजिर बरदरी ने भी जो है वो गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से की। इसके अलावा आईजी सिंध यहाँ पहुँचे और जो दीगर अहम शख्सियात हैं उन्होंने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। लेकिन जो पीटीआई की सबसे बड़ी इत्तेहादी कराची में मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान, उनसे जो है वो वज़ीर आज़म की मुलाकात का कोई टाइम शेड्यूल तय नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो ज़राए के मुताबिक जो है एमकेएम खासा नाराज़ भी दिखाई दे रही है। इससे कबल जब गवर्नर सिंह ने मीडिया से बात की, मीडिया टॉक के दौरान गवर्नर सिंह ने बताया था कि एमकेएम पीटीआई से नाराज़ नहीं है, मनाया उनको जाता है जो रूठे हुए, लेकिन एमकेएम रूठी भी नहीं है। इससे कबल हमने ये देखा कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवाया। उसके बाद पीटीआई के वफूद ने यह के बाद दीगर जो है वो एमकेएम के आर्थिक मरकज पर उनसे मुलाकातें की, लेकिन मामला जो है वो तय पाते नज़र नहीं आए। एमकेएम की जानिब से ये ख्वाहिश जाहिर की जा रही थी कि वज़ीर आज़म कराची आए और उनके जो आर्थिक मरकज़ है हैदराबाद में वहाँ तशरीफ़ लाएँ, उनसे मुलाकात करें, लेकिन आज ऐसा देखने में नहीं आया। यही महसूस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब एमकेएम को इग्नोर करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानी बात कर लें, जीडी अलायंस जो है वो भी खासा तहफ़ुज़ात का इजहार करता हुआ नज़र आया पिछले दिनों वज़ीर आज़म से, पीटीआई की हुकूमत से। तो ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो आज उनको भी मनाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म किंगरी हाउस में जो है वो पीर पगारे से मुलाकात जारी है, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने जो इस्लामाबाद के लिए रवानगी इख्तियार करेंगे, यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और आज बहुत सारे सवाल भी जन्म ले रहे हैं कि आज कराची के जो मसाइल हैं, जो कराची का पैकेज है, शायद जो है लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं कि शायद आज कराची को कराची का हक मिल जाएगा, कराची पैकेज का जो है वो ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। ये भी मुतवक्के है कि आईजी सिंध का जो मामला हैं वो भी आज तय पाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सुमेर हमें तफसीलात बताने के लिए। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबर सियासी या मुल्क के बहरान की, या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।